10.2 समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। चित्र में दिखाए अनुसार एक बिंदु वस्तु O समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। वस्तु O से कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़कर परावर्तित हो जाती हैं। जब हम दर्पण में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परावर्तित किरणें बिंदु I से आ रही हैं, अर्थात बिंदु I बिंदु O का प्रतिबिंब है। जब हमारी आंखों को आभास होता है कि प्रकाश किरणें एक बिंदु से आ रही हैं, जबकि वास्तव में प्रकाश किरणें उस बिंदु से नहीं आ रही होती हैं, तब ऐसे बिंदु को आभासी बिंदु कहते हैं और इस प्रकार से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। यह दर्पण पर परावर्तन पश्चात फैली हुई किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाकर एक बिंदु पर मिलाने से बनता है। आंखों द्वारा ग्रहण की गई प्रकाश की परावर्तित किरण दर्पण के पीछे किसी बिंदु से उत्पन्न होती प्रतीत होती है। प्रतिबिंब आई उतनी ही दूरी पर नजर आता है जितनी दूरी पर वस्तु ओ है। इसको हम ज्यामिति द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। 10.2.1 समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े हैं। यह देखने के लिए आप अपने और दर्पण के बीच एक मीटर स्केल रखकर देखें। आपका प्रतिबिंब मीटर स्केल से कितनी दूर पर बनता है? जब आप दर्पण की तरफ बढ़ते हैं तब आपका प्रतिबिंब किस ओर बढ़ता है? दर्पण से दूर जाने पर क्या होता है? माना कि कोई वस्तु समतल दर्पण MM' से OB दूरी पर है। AN दर्पण पर अभिलंब है। परावर्तन के नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण OA दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात AC दिशा में चली जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण OB जो दर्पण से अभिलंबित है परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है। इन दोनों परावर्तित किरणों AC व OB को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर वे बिंदु I पर मिलती हैं, अर्थात वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I बिंदु पर बनता है। चित्र के अनुसार यदि आपतन कोण कोण OAN बराबर कोण I है तो कोण BOA बराबर कोण I क्योंकि एकांतर कोण, समीकरण एक। और यदि परावर्तन कोण कोण NAC बराबर कोण R है तो कोण BIA बराबर कोण R क्योंकि संगत कोण, समीकरण दो। परावर्तन के नियमानुसार कोण I बराबर कोण R, समीकरण तीन। अतः समीकरण एक दो व तीन से त्रिभुज BOA और त्रिभुज BIA में कोण BOA बराबर कोण BIA चूंकि कोण I बराबर कोण R, कोण OBA बराबर कोण IBA चूंकि अभिलंब द्वारा 90 अंश बना, AB बराबर AB चूंकि उभयनिष्ठ भुजा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज BOA सर्वांग सम त्रिभुज BIA इसलिए OB बराबर BI, कोण OAB बराबर कोण IAB त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश। अर्थात प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही है जितनी वस्तु की दूरी। प्रश्न दो, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हल, प्रश्न में दिया गया है, कि वस्तु की समतल दर्पण से दूरी बराबर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और हमें वस्तु की दूरी
समतल दर्पण से हमें समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर समतल दर्पण से दूर वस्तु रखी गई है। वस्तु रखी गई है। और यहां पर हमने देखा कि वस्तु जो है वो समतल दर्पण से कितनी दूर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर। तो अब हम वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी वो बराबर होगी 30 सेंटीमीटर और धन 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले वस्तु से दर्पण तक की दूरी 30 सेंटीमीटर और फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु से प्रतिबिंब तक की कुल दूरी होगी 30 धन 30, यानी कि 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।